जान तो तिवारी ही। आजकल वो वीडियो में देख रहे हैं, वहाँ पे पूर्व जन्म की बातें हो रही थी, समझा, हरियाणा की, राजस्थान की। ऐसे ही हमको एक और दिक्कत लगा, ये सारे पूर्व जन्म वाले कहानी हरियाणा और राजस्थान से ही क्यों निकल के आ रहे हैं? हमारे बिहार पटना में कुछ नहीं ऐसा हो रहा है क्या? या यूपी में देख लो, हम मतलब देखे वीडियो को, मतलब उसमें जो बताया ठीक है, अगर हम ये मान लें कि सब कुछ सही है उस वीडियो का, कि सब कुछ सही है, पूर्व जन्म होता है, उसको सब कुछ याद है भाई, सब पिछले का भी सब कुछ याद है, कौन थी बीबी, कौन है मम्मी पापा, बेटी भाई, जो सब कुछ याद है, जो मरने के बाद होता है ना वो भी याद है, अब मरने के जब वापस आया तो उसको याद है ही है, भूत जोने में कैसे रहा, वो कहाँ रहा, क्या खाया, क्या पिया, सब उसको याद है भाई। ऐसे लोगों से ना ये करवा लें, तुम जो पढ़ाई किए थे उस जन्म में, मान लो तुम 10th पास किए थे, तो बहन चोद अगर तुम 10th का सवाल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये सबूत होगा क्या? अगर बच्चा 5 क्लास में खड़ा होकर ये बोल रहा है कि उसको पूर्व जन्म का सब कुछ याद है, तो भाई अगर तुम उस दिन पढ़ाई किए थे या तुम जो भी काम किए, जो भी तुम सीखे थे, अगर तुम उस काम को इस लाइक तो करोगे ना भाई, कि भाई लगेगा भाई हाँ इसमें एक्सपीरियंस है, अगर वो काम वैसे कर दिया तब एक बार हम मान सकते हैं, मतलब एक पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ पास हो गए और तुम्हारा जन्म दोबारा हुआ है और तुमको वो वाला याद भी है। अरे भाई अगर तुमको याद है तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी तुम लेके आओगे ना। क्या पलवल में युवक का पुनर्जन्म? हाँ वही वही वाला, मौत की 12 साल बाद बस उसी को हम देखे हैं, उसी को देखे हैं हम, वही मतलब नीम के पेड़ पर दिमाग की एक कंडीशन हो जाती है, एक तरीके से मानसिक रोग। नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है भाई, अगर वो एग्जैक्ट पता बता रहा है भाई मेरा वो घर वही है, वहाँ पहचान मिला रहा है, बता रहा है सबको सब चीज है ना, और भी कुछ चीजें मतलब बता रहा है, तो ठीक है हम मान लें कि भाई हाँ कुछ लोग होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन भाई देखो हमें क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, ऐसे हम विश्वास नहीं कर सकते ना किसी चीज़ों पे, है नहीं तिवारी? बाकी पूर्व जन्म तो हमारा भी हुआ है लेकिन हमें याद नहीं है। हमारा तो पहला जन्म है। तुम्हारा पहला है ये? एकदम पहला है। तुम्हारा पहला है? एकदम पहला है। पूरा जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब पहला जन्म ही है? पहला जन्म है, इसके बाद हम कह देंगे कि हमारा पूरा जन्म। मतलब कि तुम अभी तक किसी जन्म में तो मतलब नहीं लियो किसी का? एकदम नए फ्रेश फ्रेश हमारी आत्मा बनी, किसी भी जन्म में किसी को नहीं लिया आज तक? हाँ तो पानी पालेंगे ना। इस जन्म में पानी पालेंगे। इस जन्म में पहली बार लेगा ये ज्ञान। हाँ ये ज्ञान हासिल करेगा पहली बार, ज्ञान लेगा पहली बार अपने पूरे मतलब जितनी भी 7 जन्म जो रिश्ता निभाएगा 7 जन्म तक उसकी शुरुआत। तिवारी भाई चॉइस अच्छा रखना इस बार, जिसको तुम चूज करोगे इस जन्म में वही तुम्हारे पीछे रहेगी 7 जन्म तक। क्या पता इस जन्म में लड़की अगले जन्म वो ठीक रहेगी ना, वो जिसे मिलके भी आए वो किससे मिल ठीक है वही सही रहेगी भाई। तो अगर उसको तुम सिलेक्ट किए तिवारी तो ये मानते हुए करना कि भाई 7 जन्म तक वही रहेगी, लेकिन उसका मान लो 5 जन्म रहता हो तो 2 जन्म तुम क्या बिना ब्याह करोगे क्या?